तेरा नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ, वो आई थी सुबह, क्या बोली, प्रॉब्लम? यही कि तू बात नहीं कर रहा है ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम, क्या है? 3, 2, 1 प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट भाई, शी इज वरीड है, उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इजंट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? एंड सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खोलती है ऐसा लगता है मुंह में कुछ टूट दूं। 6 महीने में ना हाई टॉल सब कुछ देख लिया मैंने, कौन सा प्यार, कैसा रिलेशनशिप, पर काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंटर इन योर ओन हैप्पीनेस। फिर ऑल यू वांट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी हो करता था। ये लड़की को ना कोई नहीं समझ सकता। ए हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बैटमैन कुछ नहीं था तब तक बोलती थी तुम तो नलायक हो, तुम तो नजायक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन जिस दिन बेचारा बैटमैन बना उस दिन बोलती तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई किसी को नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रही, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साला शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन आए फिर कर्टन आए, फिर कुशन कर्टन से मैच किए तो और कुशन आए। साला मग इतने मेरे घर पे, उनको बेचने जाओ तो पूरे महीने का राशन निकल है। एक तो जो चीज लेने जाएंगे वो चीज नहीं लेंगे, तो हफ्ते सर कहेंगे कि टेबल लेना है, टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल पे घुमा के सर्दी चप्पल उठा लेंगे, फिर 2 हफ्ते फिर सर कहेंगे कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते बोल दे तो वो भी बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी बात अच्छे से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लड़की बोले बिना फोन काटा तो नाटा है। सबसे ज्यादा दिमाग की थी मोबाइल फोन ने कर रखी है, कति घटिया इन्वेंशन है, कॉन्स्पिरेसी में पट्टा है, पट्टा उनकी ऐड देख लो, 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है, अब इसका जवाब उनको भी दो, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, आई थिंक यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अबे तुम्हें फू हुई करना तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारतीय मित्तल से पूछना, मैं बता रहा हूँ तुझे उस ऐड में कुत्ता नहीं कुतिया है, शर्त लगा सकता हूँ मैं, सीरियसली वेयर आई विल गो वी फॉलो। और तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था, वो तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS शुरू, अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना, फोन आ जाएगा, फोन मत उठाना, 10 मिनट में मैसेज आ रहा होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, 10 मिनट में बाबू आई लव यू से, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता लगा ये आदमी लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, और ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, बिकॉज दे डू नेवर वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। ये तो सबको पता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, ट्रू, बट बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज अ वुमेन। अब ये तो सबको पता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा इस दुनिया में, बट किसी को तो समझना ही नहीं है। Thanks for watching it till the end, because this was my first time and अभी तो ये 3 minutes या 3 minutes 30 seconds का था, but पूरा ये monologue I think 5 minutes का है, but limit हमारे पास 3 minutes की थी, इसलिए मैंने 3 minutes का किया, अगर 5 minutes की होती तो 5 minutes भी कर लेता तुम्हारा भाई। And outro भी घर आके कर रहा हूँ, बिकॉज बाल बाल कटवाए थे, मैंने कहा outro कर लेते हैं। And I hope आप सबको ये अच्छा लगा हो, मेरा first time था, थोड़ा nervous था but confident भी था, मैं top 6 में आया बट उसके बाद top 3 में नहीं आ पाया। anyways फर्स्ट टाइम था, मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड जो भी फीडबैक है ना तुम्हारा, प्लीज़ जो अच्छा है वो भी कर दो, अगर बुरा भी है वो भी कर दो, अपना भाई पॉजिटिवली लेगा। एंड सो लेट्स गो, आई एम गोइंग, सो टेक केयर, बाय, बज्जू बॉय साइनिंग ऑफ। वीडियोस फटाफट, अभी मैं, मेरा भाई आ रहा है तो उसके साथ वीडियोस आएंगी डांस वाली, तो मिलते हैं थोड़े दिनों बाद, बाय।